दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप जियो का सिम यूज़ करते हो उसमें कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, यानी नेटवर्क आने की प्रॉब्लम होती है तो आपका फ़ोन कॉल नहीं आ पाता। तो मैं आपको ऐसी कॉल जो है ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप जो अपनी कॉल डाइवर्ट कर सकते हैं अपने दूसरे नंबर पर बिना किसी ऐप के, बिना किसी प्रॉब्लम के, वो सिंपल तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप जो है नेटवर्क से बाहर होंगे तो आपके दूसरे नंबर पर ऑटोमेटिक कॉल आ जाएगी। चाहे आप चाहें तो अपनी सिम को जो है निकाल कर एक तरफ रख देंगे, तब भी आपका जो है नेट आपके मोबाइल पे कॉल आती रहेगी। तो उसके लिए यहाँ पर हमें एक नंबर डायल करना पड़ेगा, *401* और अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे जिस मोबाइल नंबर पर अपनी कॉल डाइवर्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपना नंबर, तो यहाँ पर मैंने अपना नंबर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर कॉल कर देंगे और ऑटोमेटिक ही कॉल वो कट हो जाएगी। आपके नंबर के लिए बिना शर्त कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय है। अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग इज नाउ एक्टिव ऑन योर नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक ही कॉल कट गई, यानी अब हम जो है कभी भी हमें कोई कॉल करेगा, चाहे हमारा जो है जियो नंबर नेटवर्क में हो या नहीं हो, तो हमारे जिस नंबर में हमने डाला है उस नंबर पर ऑटोमेटिक ही कॉल जो है वो आ जाएगी। अब हम इसको जो है डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, यानी उस नंबर से कॉल हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर *402 वो डायल करेंगे और यहाँ पर इसको जो है डायल कर देंगे। आपके नंबर के लिए बिना शर्त कॉल फॉरवर्डिंग निष्क्रिय कर दिया गया है। अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग हैज बीन डीएक्टिवेटेड ऑन योर नंबर। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली दोबारा से कट जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप अपनी कॉल जो है डाइवर्ट कर सकते हैं अपने जियो नंबर की किसी दूसरे मोबाइल पर, किसी भी कंपनी की सिम पर। अगर आप इसको डाइवर्ट कैंसिल करना चाहते हैं तो दोबारा से आप जो इसको *402 डायल करेंगे, ऑटोमेटिकली कॉल लग जाएगी, ऑटोमेटिकली कॉल कट जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने जियो नंबर की कॉल को किसी दूसरे नंबर पर डाइवर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।